नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। आज उनकी वर्सी है, ये दुनिया छोड़े आज से उनको 1 वर्ष हो गया। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, पुण्यतिथि से एक दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर 10 दिन के बाद वापसी की और एक पोस्ट किया। इस वीडियो पोस्ट में वह एक विशेष प्रकार की प्रार्थना कर रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत को याद करती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की एक साथ है। ये दोनों पवित्र रिश्ता में काम करते थे। दोस्तों, सुशांत की मौत आज तक एक अनसुलझी कहानी है। अभी तक ये केस किसी भी मोड़ पर नहीं पहुंचा है। पिछले साल 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी ऐसी हालत में मौत से पूरा देश हैरान रह गया था और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक हंसता खिलखिलाता नौजवान सितारा हमारे बीच से चला गया। ये हजम कर पाना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। उनके निधन की वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन दावे बहुत हुए, गिरफ्तारियां बहुत हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और उनका इलाज चल रहा था, पर असली वजह आज तक अभी सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी पोस्ट में उनके जीवन भर का दर्द छिपा था। वे सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते थे। उनका आखिरी पोस्ट उनके माँ के बारे में था। अपनी माँ को याद करते हुए वे एक पोस्ट करते हैं, अपनी माँ की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। वे महज 15-16 साल के थे जब उनकी माँ उनको छोड़कर इस दुनिया को चली गई। उन्हें पिता और 4 बहनों का खूब प्यार मिला। अभी एक बहन बिहार स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हुई हैं। 3 जून 2020 को उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए एक पोस्ट लिखा था। आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। पोस्ट में उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा था। सुशांत सिंह राजपूत को इस पोस्ट के लिए उस समय तवज्जो नहीं दी गई। उनके निधन के बाद जब ये पोस्ट दोबारा पढ़ा गया तो इसमें ही उनका दर्द छिपा था। वे बॉलीवुड में भी बहुत मशहूर थे। MS धोनी और छिछोरे जैसी फिल्में उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले गईं। 3 जून 2020 का पोस्ट उनका आखिरी पोस्ट था। 1 साल बीत गए पर अभी भी उनकी मौत की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही है। उनके दुनिया छोड़ने के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी झटका मायूसी लगी थी और लोग काफ़ी हताश हुए थे। कुछ लोग उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता से बहुत पॉपुलर हुए थे। उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी जिसमें वे अंकिता लोखंडे के साथ काम करते थे। अंकिता लोखंडे के साथ आज भी एक वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, जैसी हो ऐसी रहो, आप सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।